अस्सलाम वालेकुम अकरम मियां, मसरूफ हैं? आहा, वालेकुम अस्सलाम। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जरूर मेरी कोई नेकी कबूल हो गई है जिसके बदले तुम दोनों को आज मैं एक साथ देख रहा हूँ। तशरीफ रखिए, बैठो। अकरम, हीना और समीर की दूरी आज हम दोनों को एक करके तुम्हारे पास ले आई है। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। अकरम, हमें शक है हीना और समीर के बीच जो मामला हुआ है उसे तुम जानते हो, और अब इस हकीकत से तुम ही पर्दा उठा सकते हो। लगता है तुम दोनों ने बीड़ा उठा लिया है कि रूबी और समीर के बीच का किस्सा खत्म ही हो जाए। तो इसका मतलब तुम जानते हो कि समीर और रूबी के बीच कुछ किस्सा है? हाँ, ना समीर ने कभी बताया और ना ही रूबी ने, और दोनों ने कभी यह बात मुझमें जाहिर भी नहीं होने दी। यहां तक कि हीना को भी इस बात का पता था, मगर वो हमेशा खामोश रही। मगर वक्त ने एक एक सच्चाई से पर्दा उठा दिया। ये इंकशाफ कहीं तुम्हारी पार्टी में तो नहीं हुआ? क्योंकि वहां हीना का सामना रूबी से हुआ था, बस उसके बाद से समीर अपने आप में नहीं है और हीना अपने घर चली गई है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है ना मीरा? वहां हुआ क्या था अकरम? किसी बात पे रूबी और हीना में कहा सुनी होगी, और समीर ने रूबी की हिमायत करते हुए हीना पर हाथ भी उठाने की कोशिश की। क्या समीर ने हीना पर हाथ उठाया? ज्यादती की भी हद कर दी उसने। और तुम भी अकरम, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाए रखी अभी तक? मैंने सोचा था कि आपस की बात है, आपस में रहे तो अच्छा है, मगर अब इसकी सूरत भी नजर नहीं आती। मैंने रूबी और समीर दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सब बेकार है। अकरम, ये बातें तुम्हें अब्बू को बतानी चाहिए थी, या कम से कम हम लोगों को बताते। ऐसे चुप रहकर तो तुमने समीर की हिम्मत को और बढ़ावा दिया है। अब्बा ने मुझे रोक लिया, कहने लगे शायद फैजान अंकल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता था। ठीक है, मगर अब जो हमें ठीक लगता है हम वही करेंगे। हेलो हीना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम आओगी? अगर तुम चाहती हो तो जरूर आऊंगी। ठीक है। ताज्जुब है हीना, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं पूनम, मुझे अकेले ही जाना है। अकेले जाना है, मगर कहाँ? नमीरा ने बुलाया है मिलने को। अच्छा, तो तुम अपने घर जा रही हो? नहीं, कहीं और। हीना, तुम्हें नहीं लगता ये मामला बहुत सीरियस हो गया है? लगता तो यही है, रूबी को लेकर होने वाले झगड़े के बारे में शायद नमीरा को पता चल गया है और इसी सिलसिले में मिलना चाहती होगी। हीना, जब इस बात को लेकर इतना हंगामा है तो जब उसे तलाक के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? समीर के खिलाफ आसमान सर पे उठा लेगी। तो मेरे ख्याल से तुम्हें नमीरा को सारी बात बता देनी चाहिए। हरगिज नहीं हीना, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे ऐसा करने से समीर पर हर तरफ से दबाव पड़ेगा और सब लोग तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे। तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है। परेशान तो नहीं करता बबलू? नहीं, परेशान तो नहीं करता है, बस आप ही को याद करता है। बस ऐसा ही कुछ हाल हमारा भी है। हीना आ गई। आदाब। आदाब। आओ हीना, बैठो। तौकीर को मेरे साथ यहां देखकर तुम्हें हैरानी हुई होगी, खुशी भी हुई। हीना, हम दोनों ने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है।
हीना मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कई सवाल उभर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देना जरूरी समझती हूँ कि अकरम के मार्फत हमें सब कुछ पता चल गया है। समीर ने तुम पर हाथ उठाकर जो तुम पर ज्यादती की है उसे मेरे रोम रोम में आग सी लगी हुई है। यूं लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ साथ मैं भी अंगारों पर चल रही हूं। मुझे तौकीर का साथ मिला और अब हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हमने फैसला किया है कि किसी भी कीमत पर हम समीर को सही रास्ते पर लाएंगे, लेकिन आज उससे भी ज्यादा जरूरत इस बात की है कि तुम हमें अपने हालात से वाकिफ कराओ। जब ये बात मुझे अकरम ने बताई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी बात मुझे किसी और के जरिए पता चल रही है, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती थी? खामोशी ताकत भी होती है और कमजोरी भी। तुम्हारी खामोशी को क्या समझे हम? हीना मैं जानती हूं कि सहना तुम्हारी फितरत में है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और आज भी समझाती हूं कि तुम बेवजह सहना छोड़ दो। अगर तुमने मेरी ये बात पहले ही मान ली होती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मीरा गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, आज जो करना है उस पर बात करो। हीना अब तो मेरी ही मिसाल ले लो, तौकीर ने तो मेरे साथ समीर जैसा सलूक कभी नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हालात के साथ समझौता करना गवारा किया, मगर झुकना नहीं। घुटने मैंने भी तुम्हारे सामने नहीं टेके थे नमीरा। हाँ, हम दोनों ने अपनी अपनी जगह रहकर अपनी लड़ाई लड़ी, आज हमारे डिफरेंसेस दूर होते जा रहे हैं। आपके और मेरे हालात में एक बहुत बड़ा फर्क है। तो बताओ हीना कि वो फर्क क्या है। देखो, जब तक तुम हमें बताओगी नहीं तो हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? मैं नहीं बता सकती हीना। कमरे में? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और कुछ सुनाना बाकी है? हाँ, सुनाना भी है और सुनना भी है तुमसे, इसीलिए मैंने तुम्हारा कमरा चुना है। जानते हो क्यों? कि अगर हमारे बीच शोर हुआ भी तो किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगी। कौन सी बात? ये बात तुम्हारे लिए नई नहीं है, इससे पहले अब्बू तुमसे ये बात कर चुके हैं और तुमने किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल दिया। तो तुम चाहती हो कि मैं हीना के पास जाऊं और उसे यहां ले आऊं? तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? मैं सिर्फ इस घर की भलाई चाहती हूँ, और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे इस बात पर मजबूर मत करो कि मैं अब्बू को जाकर सारी बातें बता दूं कि तुमने रूबी की हिमायत में हीना पर हाथ उठाने की कोशिश की। तुम्हारे लिए रूबी ही सब कुछ है, हीना कुछ भी नहीं। देखो नमीरा, इस घर के बारे में सोचने से अच्छा है कि तुम अपने घर के बारे में सोचना शुरू कर दो। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी हक है। इस घर के लिए तुम पराई हो चुकी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता किसी और घर से जुड़ चुका है। हाँ, यही बात मैं तुमसे कहलवाना चाहती हूँ कि अब तुम्हारा रिश्ता हीना से जुड़ चुका है और अब रूबी तुम्हारे लिए पराई हो चुकी है।
जब तुम उसे नहीं छोड़ सकते तो तुम मुझे इस घर को छोड़ने का हुक्म देने वाले होते कौन हो? मेरी बहन होकर तुमसे मेरी खुशियां क्यों नहीं देखी जाती? जिसे तुम खुशियां समझते हो ना वो तुम्हारे जहन की अय्याशी है। नमीना! चिल्लाओ मत। तुम्हें अपनी भलाई का ख्याल है या नहीं? मुझे अपनी भलाई का ख्याल है मगर तुम लोगों को कभी मेरा ख्याल नहीं आया। जहन्नम बना दिया है तुम लोगों ने मेरी जिंदगी। अपना ये नजरिया तुम अपने पास ही रखो समीर, और अब सुनो कि जो कुछ भी तुम्हें करना था वो तुम कर चुके हो। अब तुम सिर्फ वही करोगे जिसमें हीना खुश रहेगी, हम सब खुश रहेंगे, पर ना ये बात अब्बू तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, और जिस इश्क का बुखार चढ़ा है ना तुम पर उसे भी उतरने में देर नहीं लगेगी।